अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। हुकूमती कर्ज़े मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। 70,362 अरब रुपए के कर्ज ले चुकी है गवर्नमेंट। हम ये कह रहे हैं कि हमारी मईशत दुरुस्त समत में आगे की तरफ गामजन है, लेकिन हमारे अगर कर्ज़ों का हजम देखा जाए तो वो ये बता नहीं रहा या इंडिकेट नहीं कर रहा है कि इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो राइट डायरेक्शन में हैं। क्यों नहीं है, ऐसा क्या हो रहा है? फिर रवां साल शराय नमू 2.8% रही, करंट अकाउंट डेफिसिट 0.6% रहा, आलमी बैंक की ये रिपोर्ट है। फिर आपके साथ ज़रा आईपीपीस के मामला भी शेयर कर देते हैं। 5 IPPs को बंद करने या उनसे जान छुड़वाने, उनके वायदों से मनसूखी की मंजूरी होगी ये काबीना की तरफ से। अरबों रुपये का जो नुकसान हो रहा था वो फ़ायदा हो जाएगा। आईपीपीस का मसला ये है, एक तो बिजली जब बनाते हैं तो पैसे अलग लेते हैं, जब सर्दियों में खपत कम हो जाती है तो उससे भी ज़्यादा पैसे लेते हैं, क्योंकि उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं बिजली बन रही है या नहीं। वो रेंटल पावर प्लांट्स हैं तो वो अपना रेंट चार्ज करते हैं और कैपेसिटी चार्जेस की मद में अरबों रुपया उनकी जेबों में जा रहा है। 4-5 हज़ार अरब रुपये से ज़ायद का मामला है, और 26 हज़ार अरब रुपये से ज़ायद का मसला तब हुआ जब हमने नहीं ली बिजली। तो ये अरबों खरबों का मामला है जो ऑलरेडी उनकी जेबों में हम डाल चुके हैं। कब इनसे जान छुटेगी, कब पाकिस्तान में बिजली सस्ती होगी, कब हम अपने खुद इन्हसारी पर आएंगे, सोलराइजेशन की तरफ कब जाएंगे, छोटा बिजनेसमैन उसके क्या मसाइल है, करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ बिजनेस कैसे जुड़ा है। फिर हम अगर इकोनॉमिक फीचर्स की बात करें तो सऊदी अरब का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है, भारी भरकम वफ्द है जो बिजनेस मीटिंग्स के लिए पाकिस्तान आया, और $2 अरब तक के मुआहदे होने हैं। और ये मीटिंग्स बड़ी अहम रहीं आज के दिन भी। और B2B मीटिंग्स का मकसद ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो कैपेसिटी है सरमायाकारों की, उसको किसी ना किसी तौर बरूए कार लाया जाए। और यहाँ पर बड़े भारी तादाद में मैं कहूँ तो बिजनेसमैन ने इंटरेस्ट शो किया और बड़ी शानदार मीटिंग्स का सिलसिला रहा। और जिन मुआहदों का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो किस किस मद में होने, उस पर भी ज़रा बात कर लेंगे। फिर पाकिस्तान ने भारत के जौहरी प्रोग्राम पर बड़ी तशवीश का इजहार किया, को पहली बार नहीं है, पहले दुनिया भी कर रही है। भारत में जौहरी प्रोग्राम से रिलेटेड जो तापकारी मवाद है वो चोरी हो रहा है, और ये पहली बार नहीं हो रहा, उससे पहले भी इसकी खबरें आई, उसका इस्तेमाल भी होता दिखाई दिया, तो ये बड़ा ख़तरनाक मरहला हो जाएगा। लेकिन आज हम चूँकि बात करेंगे मईशत की और फिर इस रीजन की मईशत की, IMF ने एक मीडिया डायलॉग किया और मीडिया इंगेजमेंट में बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया। गुर्बत की सतह 40% तक बढ़ गई है, ये बड़ा ख़तरनाक बात है। 16 लाख के करीब जो मौके पैदा करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से रोज़गार के, ये नाकाफ़ी हैं, क्योंकि आपकी तादाद बहुत ज़्यादा है बेरोज़गार अफराद की या नौजवानों की, स्किल्ड वर्कर का क्या होगा, और बहुत सारे पैराए में IMF ने बात की है। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। काशिफ अनवर साहब ने हमें ज्वाइन किया, साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब आपका। डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप भी हैं, माहिर मईशत भी हैं एहसन मेहनती साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच एहसन साहब। सीनियर तजिया कार हैं खादिम मांडला साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया खादिम मांडला साहब। थैंक यू काशिफ साहब, एक तो आज बड़ा अहम डे रहा, सऊदी अरब का वफ्द यहाँ मौजूद, बड़े अहम मुआहदे, बिजनेस रिलेटेड डील्स, $2 अरब के मुआहदे, ये कितना फ्रूटफुल होने जा रहा है, और आप समझते हैं कि ये बूस्टर इंजेक्शन हो सकता है हमारी इकोनॉमी के लिए? देखेंगे, बात तो बहुत अच्छी है, इंटरनेशनली भी ये परसेप्शन अच्छा जाएगा कि हमारा सऊदी डेलीगेशन यहाँ पर है, तो जो SCO कॉन्फ्रेंस भी होने को जा रही है वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि इस मुल्क में बहुत से ऐसे लोग आएंगे, गैर मुल्की हमारे लीडर्स आएंगे। लेकिन बात ये है कि आपके मुल्क में आप कोशिश करते हैं पॉजिटिव परसेप्शन को देने की, लेकिन जो नेगेटिव परसेप्शन हम साथ साथ दे रहे हैं उनका नुकसान इन पॉजिटिव परसेप्शन से कहीं ज्यादा है। अब जो हमने पिछले दिनों हमारे जो गैर मुल्की यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट में जो कत्ल हुए, उससे पहले हमारे एक सूबे के गवर्नर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब हमला करने जा रहे हैं, तो क्या ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं जो एक फॉरेन इन्वेस्टर दूसरे मुल्क में ढूंढ रहा होता है कि क्या उस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है? आज तक हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स को एक पेज पे इकट्ठा नहीं कर सके, आज तक हम फैसला नहीं कर पाए हैं। तो जब तक हमारी ये पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे नहीं आएंगी, अगर ये समझती हैं कि मुल्क इस वक्त इस दौराहे से गुजर रहा है कि अपने अपने इख्तलाफात को भूलकर
हमें मुल्क का सोचना है। और इस वक्त जो हमारे गैर मुल्की इन्वेस्टर्स हैं, आपके सामने हैं कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज ये मुल्क छोड़ के जा चुकी हैं, आपके अपने लोकल इन्वेस्टर्स इस मुल्क से निकल गए हैं। तो हमें ये इस बात को असेस करना है कि जो हम पॉजिटिव स्टेप्स ले रहे हैं, क्या वो काफी हैं उन नेगेटिव स्टेप्स को ओवरकम करने के लिए। अगर आप मुझसे यही सवाल करें तो मैं शायद कहूंगा कि नहीं, ये नाकाफी है, हमें बहुत ज्यादा काम करना होगा। और हम इस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को एक पेज पे नहीं ला सकेंगे। अब हमने IMF से भी जो एग्रीमेंट किया है, क्या दुनिया को नहीं पता है कि किन शराइत पे हुआ है? क्या जो हमारे यहाँ पर एम्बेसडर्स हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि इस वक्त आपकी इकोनॉमिक पोजीशन क्या है? हमसे बेहतर वो जानते हैं कि आपके मुल्क के अंदर के क्या हालात हैं। और जब हम ये कहते हैं कि आपके अपने मुल्क के लोगों की इन्वेस्टमेंट्स इस मुल्क के बाहर हैं, जो आपके मुल्क पे हकूमत करते हैं और करते रहे हैं, तो फिर आप कैसे किसी को कन्विंस करेंगे कि आप इस मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करें और हमारी इन्वेस्टमेंट्स इस मुल्क से बाहर है? तो ये एक ऐसा बहुत सवाल है कि हमें इस बात पे भी देखने की जरूरत है कि हम कैसे अपने, हम सिर्फ एक बात के पीछे पड़ गए हैं कि हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी है, हमें डिजिटाइजेशन की तरफ जाना है। हम अब ये नहीं देख रहे कि उसके उसके साइड इफेक्ट्स क्या आएंगे। जो आपने ताजिरों की बात की है, इंडस्ट्री की बात की है, क्या इस वक्त हम जो ये कहते हैं यूरोप में आपके इस तरह से सिस्टम्स हैं, अमेरिका में इस तरह से हैं, तो जो क्या वो हकूमतें सहूलियात देती हैं, क्या हम भी वो सहूलत दे रहे हैं? क्या बिजली के बिल का रेट, अगर इंडिया में, अगर हम इंडिया का ही हम कंपैरिजन करें, तो क्या जो दिल्ली में बिजली के बिल का रेट है, क्या हमारे पाकिस्तान में कहीं भी उसके बिजली का बिल है वहां पर? क्या हम इन कॉस्ट के ऊपर हम अपनी क्या अपनी इंडस्ट्री को चला सकते हैं? क्या हम फिजिबल कर सकते हैं? देखिए बहुत से क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमें कहीं से स्टार्ट जरूर लेना है और हमें लेना भी चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे हो, ताकि फिर हम उसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट के जरिए हम आवाम को भी एक पेज पे करें और उन्हें कन्विंस करें कि भाई अब हमें मिलके चलना है, क्योंकि अब हम सब इकट्ठे हो चुके हैं। ठीक हो गया। एहसन मेहती साहब, इस वक्त सऊदी अरब का वफ़ पाकिस्तान में मौजूद है, जिन मुआहिदों के तहत पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी, आप समझते हैं कि इसका ट्रिगल डाउन इफेक्ट निचली सतह तक बिजनेसमैन को भी जाएगा? देखिए बिल्कुल ये नजर तो आ रहा है कि ये मेनली SME की तरफ इसका फोकस है, और आई थिंक SME जो है यूजुअली कोई कैपिटल मार्केट की तरफ तो नहीं आते, वो यूजुअली जो है वो एक निचला तबका होता है और इसके अंदर दरमियानी तबका होता है। यूजुअली लार्ज स्केल बिजनेस की तरफ इतना फोकस नहीं है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर 2.2 बिलियन डॉलर के जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन होने हैं, और आई थिंक कि इसको, इस डेवलपमेंट को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर एक रीजनल अनसर्टेनिटी छाई हुई है, और आई थिंक कि जहाँ पर हमें एक काफ़ी डेट के इश्यूज आ रहे हैं, लोकल डेट बढ़ रहा है, फॉरेन डेट बढ़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर खुशाइन बात है कि हमारा रेमिटेंसेस का डेटा भी जो है 2.8 बिलियन डॉलर आया सितंबर का, और फिर उसके बाद हम 2.2 बिलियन डॉलर की एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। इससे पहले हमने 1.2 बिलियन डॉलर सऊदी ऑयल फैसिलिटी भी उसकी जो लोन है उसको, उसका अप्रूवल हुआ है। 3.2 बिलियन डॉलर के कमिटमेंट हमने देखा है UAE से, तो आई थिंक कि ये जो UAE कतर और सऊदीया से, तो आई थिंक कि ये जो डेवलपमेंट है ये तो जाहिर है ये अनप्रेसिडेंटेड है। हमें जरूरत है इन्वेस्टमेंट की। हम किसी तरीके से इकोनॉमिक आउटलुक हमारा इम्प्रूव अब कर चुके हैं। गोइंग फॉरवर्ड हम IPP से भी जो है डिस्कशन में है कि कुछ प्राइसिंग वहां पर हमें टैरिफ रिलीफ मिले, तो आई थिंक कि जो कर सकते थे वो हम कर रहे हैं, और वो हर अक्रॉस द बोर्ड जो है हमें देख रहे हैं कि जो मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से भी हमें सपोर्ट है कि सऊदी इन्वेस्टर्स आ गए, और फिर हम देख रहे हैं कि जो हमारे जो पॉलिटिकल सेटअप है वो पॉलिटिकल नॉइज काफी हद तक कम हुई है, जो एक रीजन है कि अब हम देख रहे हैं कि SCO कॉन्फ्रेंस भी सही तरीके से मुनक्किद होगी, और जो है वो आगे जो हमारी डेवलपिंग सिचुएशन है CPEC की वो चाइना के साथ भी उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखा जाएगा। तो होपफुली जो है वो हम ट्रैक पे नजर आ रहे हैं कि 7% इन्फ्लेशन हो गई, इंटरेस्ट रेट जो है जैसे तैसे करके जो है वो गिर रहे हैं, तो जाहिर है ये तो जो बैंक लेंडिंग रेट गिरते हैं तो वो कैपिटल मार्केट के लिए भी मजबूत होते हैं,
और आप देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो है वो अब पाकिस्तान मार्केट का रुख करेगी। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ, फिर खादिम मांडला साहब से भी ज़रा पूछेंगे कि इकोनॉमिक इंडिकेटर ये बेहतर कैसे हो रहे हैं। अगर हम अपने कर्ज़ों की मत देखें तो वो बढ़ते बढ़ते 40% तक चली गई है, तो कैसे हो सकता है, हम किस बेहतर डायरेक्शन में मजीद जा सकते हैं, वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी, खादिम मांडला साहब, अभी आपने सुना दोनों हजरात जो बात कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर ये बेहतरी की तरफ कैसे हैं, क्या कैसे हम कह सकते हैं बेहतर हैं, जबकि हमारा पावर सेक्टर प्रेशर में है, और अगर हम LSM की बात करें वो डिक्रीज का शिकार है, फिर करंट अकाउंट डेफिसिट का खसारा हमारे सामने है, फिर बजटरी डेफिसिट, बहुत सारी चीज़ें हम बात कर सकते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारे इंडिकेटर्स बेटर हो रहे हैं, क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, क्या बेहतर हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। देखिए, हमारे मुल्क की जो मईशत है ना, वो किस चीज़ पे बेस कर रही है, कर्जे के ऊपर, और उनका जो सूद है इतने महंगे शरा सूद के ऊपर कर्जे लेना फिर देना अवाम उन्नास को आगे, तो मेरा ख्याल है कि इसमें बेहतरी नहीं आ सकती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी वाज़ह हदीस है, मा मिन कौमिन यज़हरु फीही मुर्रबा इल्ला उख़िज़ू बिस्सनदि, कि जिस कौम में सूद आम फैल जाता है अल्लाह ताला वहाँ कहत जो है नाजिल करता है। वा मा मिन कौमिन यज़हरु फीही मुर्रशा इल्ला उख़िज़ू बिर्रौब, और जिस कौम में रिश्वत आम फैल जाए अल्लाह ताला उनके ऊपर रोब और खौफ तारी कर देता है। तो हमारा जो पूरा निज़ाम रिश्वत के ऊपर, करप्शन के ऊपर, सूद के ऊपर बेस करता है, तो इसमें कैसे बेहतरी हो सकती है। अच्छा, ये ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि हम रिश्वत सूद इसकी बात करते हैं, दुनिया भर में ऐसा नहीं है कि अमेरिका जैसे ममालिक में रिश्वत ना ली जाती हो, सूदखोरी ना होती हो, उसके बावजूद चीज़ों को कंट्रोल में इंडिकेटर्स, क्या इंडिकेटर्स, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। हमारा निज़ाम अदल दुनिया में 140 ममालिक में से 136वें नंबर के ऊपर है। क्या दुनिया भी ऐसे कंपेयर करें जो दुनिया में कामयाब मुल्क है, क्या उनकी रेटिंग ये है? एक मकरूज मुल्क बोला कि इतने महंगे सरकारी नौकर, और एक गरीब आदमी है वो पानी को तरस रहा है, खुराक को तरस रहा है, रोटी को तरस रहा है, ये कारोबार अलग बहस का टॉपिक है ना, कि सरकारी अफसरान और उनकी शाह खर्चियाँ ये अलग है। इस वक्त इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की जहाँ बेहतरी की हम बात करें, काशिफ साहब, हम जो मुल्की सतह पर कर्जों की सूरत हाल देख रहे हैं, 40% के करीब कर्ज हो जाना, अभी IMF ने जो आज भी डायलॉग किए वो भी, और उससे पहले भी जो बात हो रही थी, उन दोनों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो ये कह रहे हैं कि आप अपने रोज़गार के मौाक़े बढ़ाएं, लेकिन 16 लाख के करीब जो इंडिकेटर हमें मिल रहे हैं या जो एक फिगर मिल रही है, पता नहीं किस हद तक सच है या नहीं, बहरहाल जो फिगर हमें लिखी लिखाई मिल जाती है वो 16 लाख के करीब है जी रोज़गार के मौाक़े, और वो भी कह रहे हैं ये कम है। तीन चीज़ें, एक मईशत पर आपका पावर सेक्टर बोझ है, बिल्कुल है, वो IPPs की तरफ हम जा रहे हैं, 5 बंद करने की बारी आ रही है तो अब बड़ी चीखों पुकार होगी। दूसरा, हम पाकिस्तान में करंट अकाउंट डेफिसिट, इसका बड़ा लंबे अरसे से चला आ रहा है मामला। तीसरा, बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए मराहत दी जाए, कौन सी मराहत है, क्या मराहत दी जाए, और अभी तो काफ़ी बेहतरी दे भी रहे हैं। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि हम जो कर्जे की बार बार बात करते हैं कि कर्जा बढ़ता जा रहा है, हमें इस बात को देखना है कि ये तमाम क्रेडिट हमारी पिछली गवर्नमेंट्स को जाता है, कि कर्जा अगर हमने लिया तो उस कर्जे को हमने लगाया कहाँ पर। देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोटरवेज, अंडरवेज, ये बहुत जरूरी है, एयरपोर्ट्स बनने, लेकिन हमने क्या कोई इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए, हमने क्या कोई सोलर के पार्क्स बनाए, हमने क्या कोई डैम्स बनाए, नहीं बनाए। इसीलिए हम वो जो कर्जा लिया हमने ऐसी जगह पे लगाया जो हमें उसकी इनकम जनरेट करके नहीं दे सका। चले, एक तो ये इशू हो गया। अब हमने चूंकि वो कर्जा ले रखा है तो उस कर्जे को अदा भी पाकिस्तान की आवाम ने करना है। अब हम ये बात करते हैं कि इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी कब बढ़ेगी, जब आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और आपकी जब इंडस्ट्री यहाँ पर चलेगी, आप रोजगार कैसे देंगे? जब आप इंडस्ट्री चलाएंगे तो आप रोजगार देंगे। अब हुआ ये कि आपके कोविड भी आया, कोविड के बाद फ्लड आया, फ्लड के बाद फिर आपके मुल्क के हालात ऐसे हो गए, 22% तक आपका काइबोर चला गया, आपका रुपी डिवैल्यू हो गया, 140 से 280 और 300 के ऊपर चला गया। काशिफ साहब, सॉरी, आपने बड़ा अच्छा, सॉरी माजरत आपको काट रहा हूँ, ये जो काइबोर और काइबोर प्लस की आप बात कर रहे हैं, उस जमाने में लोगों ने कर्ज लेना छोड़ दिया, इंडस्ट्री ने कर्ज लेना छोड़ दिया, वो भी एक बड़ा मसला बन गया, बैंकिंग से बोरोइंग नहीं हो रही थी।
कहीं हुआ ये कि जो इस वक्त सबसे बड़ा एक मसला है ना, मैं पहले दिन से शोर मचा रहा हूं कि ऐसा इकोनॉमी का पैसा जो ग्रे पैसा है उसको खुदारा इकोनॉमी के अंदर आने दीजिए, ऐसे बॉटल नेक्स को टाइट ना करिए कि वो पैसा आपका बाहर रह जाए आपके वाइट सिस्टम में आने से या मुल्क से बाहर चला जाए। क्योंकि बहुत आसान एक हल है कि अगर आप उस ग्रे इकोनॉमी के पैसे को अपनी इकोनॉमी के अंदर नहीं आने देंगे तो वो पैसा आपके मुल्क से बाहर चला जाएगा। अब लोगों ने देखें, जब आपका इंटरेस्ट रेट, कारोबार का रेट आपका 22% हो गया, तो इंडस्ट्री तो उस वक्त बंद हो रही थी, और जिसके पास वाइट पैसा था उसको क्या तकलीफ है कि वो 20% इनकम जनरेट ना करे। अब वो पैसा भी उन्हीं का पड़ा था। देखें, इस वक्त एक बात हमें ये भी समझने वाली है कि इस वक्त इतनी डॉक्यूमेंटेशन है, इतनी इंटीग्रेशन अमंग द डिपार्टमेंट्स है, और हमारी हर एक इंफॉर्मेशन हर रेवेन्यू अथॉरिटी के पास है। अब अगर कोई पैसा डिक्लेयर करे बगैर बैंक में पैसा रख रहा है, और देखें ये तो वैसे भी कानून है कि आपका 50 लाख रुपए तक आपकी इनकम, अगर आपकी बैंक से प्रॉफिट आ जाता है तो वो आपकी नॉर्मल इनकम में शामिल हो जाता है। तो ऐसी बात है, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही थी। अब इंडस्ट्री, हमें तो ये देखना है ना कि इंडस्ट्री क्यों बंद हुई, लोगों ने पैसा लेना क्यों बैंक से रोक दिया। आपका इंटरेस्ट रेट 22% पे चला गया, आपका जो डॉलर डिवेल्यू होके जो रुपया था वो आपका 280 पे चला गया, आपकी 1 साल एलसीयां नहीं खुली, आपके जो पोर्ट पे कंटेनर्स पड़े थे। मैं बहुत से ऐसे अपने भाइयों दोस्तों को, इंपोर्टर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट को जानता हूं, जिन्हें अपने कंटेनर्स पोर्ट पे छोड़ने पड़ गए, क्योंकि वो ये कहते थे कि इतनी मालियत का तो माल नहीं है जितने उसके ऊपर डैमरेज और डिटेंशन पड़ गया है। तो देखें, बहुत सी ऐसी चीजें आपके सम अप हो गई जिसकी वजह से आपके इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, और आपकी इंडस्ट्री बंद हुई। जब आपकी इंडस्ट्री बंद हुई तो आपके लोग यहां से, आपने उनको बेरोजगार किया। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि पिछली गवर्नमेंट ने एक स्कीम दी थी कि आप अपने अपनी फैक्ट्रियों से अपने लोगों को नहीं निकालेंगे, उनकी तनख्वाहें आप हमसे ले लें और कम कर्जे पे ले लें। तो देखिए, दैट वाज अ गुड स्टेप। हम मैं ये नहीं कह रहा कि हमने उसके सारे इकदाम अच्छे थे, लेकिन हमें अपनी मईशत को चलाने के लिए वक्त के साथ साथ फैसले करने होंगे। इस वक्त भी मैंने इससे पहले भी कहा कि हम इस वक्त सिर्फ अब ये कर रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटाइजेशन उसकी तरफ जा रहे हैं। आप पहले अपने सिस्टम को चेक करिए कि कौन सी चीज इस वक्त आपकी इकोनॉमी और सिस्टम में ठीक है। इम्प्लीमेंट। मैं आपकी बात से अगर एक चीज समझाऊं काशिफ साहब, तो जो ट्रेड पॉलिसी है वो हमने पहले भी देखा कि पिछली गवर्नमेंट ने 22 माह लगा दिए थे ट्रेड पॉलिसी लाने में, तो 22 माह खाली बैठे थे। एहसन मेहनती साहब, ट्रेड पॉलिसी बहुत अमल दखल होता है इसका बिजनेस के सारे मामलात में, ट्रेड पॉलिसी पर मिनो अन अमल ना हो तो क्या होता है? देखिए, आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर हमें जो जो फॉरेन इनफ्लोस चाहिए, अगर हमें लोकल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस चाहिए, तो ट्रेड पॉलिसी पे तो जाहिर है चलना पड़ेगा। और जाहिर है कि जो आप आईपीपी का देख रहे हैं कि एग्रीमेंट जो है 2027 में एक्सपायर हो रहे हैं, और अभी हम राइट अवे इनको जो है वो एक्सपेल या करने के अभी अब हम फोकस में हैं। आई थिंक कि ये सारी जो मामलात हैं वो हमें काफी ज्यादा हमारे बिजनेस कॉन्फिडेंस है उसको हैम्पर करते हैं कि एट टाइम्स जो है यू नो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर हम देखते हैं कि जो ट्रेड पॉलिसी है या जो पोजीशंस होती हैं गवर्नमेंट की वो चेंज हो जाती है। तो आई थिंक कि ये जो ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर हम सिर्फ अफसोस इस पर कर सकते हैं कि ट्रेड पॉलिसी का तसलसल जो है वो नहीं होता, और फिर जाहिर है किसी की पॉलिटिकल फोकस पे या नेशनल इंटरेस्ट में हम उसको फॉरगो कर देते। अच्छा, ऐसे में साहब आज़र, मैं चाहूंगा एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, आपसे ही शुरू करूंगा। बहुत सारी चीज़ों पे रिवर्सल की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो अब रिवर्स होंगी और शायद इकोनॉमी इंडिकेटर्स बेहतर हो जाए। कैसे होंगे, क्या चीज़ें होंगी, उन पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा एहसन मेहनती साहब, ये जो हमने अब कम करना शुरू किया इंटरेस्ट रेट, क्या फ़ायदा होगा इससे? आप समझते हैं इंडस्ट्री का पहिया चल पाएगा? हमने तो इसलिए बढ़ा दिया था कि महंगाई को रोके, ना महंगाई रुकी ना इंटरेस्ट रेट रुका। देखें, यू आर राइट कि ये जो महंगाई है ये कोई यू नो इनडायरेक्ट तो नहीं रुकी, बट डायरेक्टली हम देखें तो ये 7% पर आ गई है। आई थिंक ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, और इसका एक मेजर रीजन ये है कि रुपी जो इंस्टेबिलिटी है उसको हमने किसी लेवल पर जो है वो रोका। बेहतरी ये भी हो गई कि इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट है वहां पर कमोडिटी प्राइसेस के अंदर जो है वो कमी आई, जिसमें कॉटन प्राइसेस भी हैं तो ऑयल प्राइसेस भी हैं, और हमने देखा कि हमारी लोकल कॉल प्राइसेस के अंदर
कमी होती रही, जिसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आ रहा है। हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन नंबर जो है वो कम होते चले जा रहे हैं, और आइडियली हमारा जो टैरिफ है एनर्जी का उस पर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि हमारी 25-30% जो है अभी भी जो है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑयल है इन एनर्जी प्रोडक्शन। तो आई थिंक ये जो ऑयल प्राइसेस का गिरना है और फिर रुपी का स्ट्रांग होना है तो इन्फ्लेशन का कम होना है, ये सारी चीजें जो है हमें कॉन्ट्रीब्यूट की इंटरेस्ट रेट। ये एस्पेक्ट जो है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए अच्छा, यही चीज अगर मैं मांडल साहब आपसे पूछूं, हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया 22% तक ले गए, कम कर रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा इंडस्ट्री को? काइबोर का जिक्र किया अभी काशिफ साहब ने भी। देखिए जहाँ तक सूद की बात है तो सूद तो बड़ा वाज़ है, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बारहा मरतबा सूद के मतलब बहुत सी आयात वहल्लाबैया वहर्रम रिबा, अल्लाह पाक फरमाता है कि मैंने तजारत को हलाल किया और सूद को हराम किया। फिर जहाँ तक कर्ज़ की अब बात करते हैं ना हम लोग, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, औज़ु बिल्लाहि मिनल कुफ्र वद्दैन, क्या अल्लाह मैं कर्ज और कुफर से पनाह मांगता हूँ। फ़काला राजुलन या रसूल अल्लाह अतादिलुल कुफ्र बिद्दैन, सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह क्या कुफर और कर्ज बराबर है? काला नाम, सरकार ने फरमाया बिल्कुल बराबर है। तो जिस कर्ज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की पनाह मांगते हैं, हम जो है ना वो दुआएं मांगते हैं उसके लिए, तो मुझे बताओ कि बेहतरी कहाँ से आनी है, और वो भी सूद के ऊपर। अल्लाह ने देखा कि सूद पे इकॉनमी नहीं टिक सकती। नहीं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया यमहकुल्लाह अर्रिबा व युर्बी सदकात, अल्लाह पाक फरमाता मैं सूद को मटाता हूँ और सदकात को बढ़ाता हूँ। जिस चीज़ को अल्लाह सुबहाना ताला मटा दे उसमें जो कैसे जा रहा है सूद की इकोनॉमी से, कैसे बेहतर हो सकते हैं? साकदार भी कुछ करना चाह रहे थे पर वो कर नहीं पाए उस वक्त। आपका शरी अदालत का जो फैसला भी आ चुका है आज में, आपने लिखा कि आपने जो भी बैंकारी करनी है आप सूदी निज़ाम से निजात दिलाएं। अभी जो बजट बना था 9,770 अरब रुपया आपने सूद की माद में और कर्ज अदायगी की माद में आपने लगाया, 26 अरब रुपया तो ये तो नहीं है। मतलब अभी कहीं रुक जाए ना भाई, मैंने इनको कहा है कि ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ये मिलिट्री, जुडिशरी, पॉलिटिशन और ब्यूरोक्रेट्स, मैं कह सारे एक अम्ब्रेला के नीचे बैठे और फैसला करें कि जितनी इनकी मुआशी औकात है उस औकात के अंदर रहकर मुल्क चलाने की कोशिश करें। ये भीख मांग के किस गर्ल पकड़ के ये मुल्क चलते, इस तरह तो घर नहीं चलता। बड़े अरसे से सुन रहे हैं काशिफ साहब, ये ठीक है, मैं बड़े अरसे से ये मैं भी सुन रहा हूँ, आप भी शायद सुन रहे होंगे, एहसन मेहंती साहब भी शुरू से सुन रहे हैं कि मांग मांग के इकॉनमी नहीं चलती, लेकिन उसके बावजूद अब हमने क्या करना है काशिफ साहब? एट दी एंड मैं आपसे सिर्फ एक अगर पूछूँ, ये पावर सेक्टर क्या IPPs के खात्मे से इस पर प्रेशर थोड़ा कम हो सकता है और इंडस्ट्री को फायदा होगा बिजनेसमैन को? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर ऑन द राइट ट्रैक अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पॉजिटिव स्टेप्स आने शुरू हो गए हैं। हमें एक तो ये बहुत जरूरी है कि हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी होंगी कि हमने लेकर अपनी इकोनॉमी को किस तरफ जाना, और अगर हम इंडस्ट्री अपने मुल्क में चलाना चाहते हैं और अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपना रोजगार ज्यादा से ज्यादा यहाँ दें, तो हमें अपनी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको कम करना होगा। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने रुपए को मजबूत करना होगा। हमने अपने रुपए को बार बार वीक करके ये देख लिया है कि हम अब वीक करने के बावजूद अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स इस मुल्क के अंदर ज्यादा है और हम अपने रॉ मटेरियल्स को भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और फिर हम तो अपनी कॉटन को, जिसको हम कहते हैं कि हमारी कॉटन का 50% ऑफ द एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूट करती है, तो हमारे तो 8 लाख बेल यहाँ पर बनी, 15 लाख बेल की आपको यहाँ पर जरूरत है, तो बाकी फिर तो आप इंपोर्ट करेंगे ना। तो जब तक आप ज़राअत में खुद कफील नहीं होंगे, जब तक आप अपनी बिजली को सस्ता नहीं करेंगे, जब तक आप डैम्स और वाटर रिजर्वॉयर्स की तरफ नहीं देखें, हमें बहुत सी चीजों को शुरू करना होगा, इकट्ठे शुरू करना होगा, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमारी बका है। और एक और बात, हम अगर ये भी कहते हैं कि हम आईटी पे हमारा बहुत ज्यादा दारोमदार है और हम आईटी की एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, तो फिर आईटी सेक्टर को जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कम से कम खुदारा उसको तो सुनिए। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो आईटी सेक्टर है, आप पूछिए ना आईटी हाउसेस से कि वो क्यों 75% ऑफ द जो रेमिटेंसेस हैं उसको मुल्क के बाहर रखते हैं,
क्योंकि वो मुल्क के अंदर लाएं तो उन्हें तब भी बयानियां देना पड़ता है कि कहां से आया, और जब उन्हें लाइसेंसिंग की पेमेंट करनी पड़ती है तो उन्हें तब भी बताना पड़ता है कि हम लेके कहां जा रहे हैं। तो देखें, हमें अपनी पॉलिसीज को करेक्ट करना होगा ताकि आपका जो टैक्सेशन का सिस्टम है और जो आपका पॉलिसी नेटवर्क है लोगों का, उस पर ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट हो और वो उस मुल्क के, और आपको अपनी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी को लाना है। जब तक आप वो नहीं लाएंगे हम अपनी मईशत को दुरुस्त नहीं कर सकते। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया काशिफ अहमद साहब, साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप, माहिर मईशत एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद थे, तजिया कार खादिम मांडा साहब हमारे साथ मौजूद थे। फिर होती है अगले हफ्ते आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखें।